ये रात्रि क्लास है 27 4 64। परम पिता परमात्मा क्योंकि दिखलाते तो हैं कि ब्रह्मा द्वारा सभी वेद ग्रंथों शास्त्रों और जप तप इन सब का राज समझाते हैं। कौन समझाते हैं? बाबा शिव बाबा को सब यहाँ भारत में कहते ही हैं बाबा साईं शिव बाबा। अभी जब बाबा शिव बाबा है तो बस एक रहा दूसरा हुआ लौकिक बाबा। अभी दूसरे बाबा साईं जो ये मुसलमान या फलाने लोग नाम रखते हैं तो ये पत्थर बुद्धि भारतवासी ये समझ नहीं सकते हैं ये बाबा साईं कैसे हो सकते हैं। साईं बाबा तो एक शिव बाबा साईं ठहरा तो खास करके भारत के उसमें भी जो बाहर में गरीब लोग भी हैं बड़े फंसे रहते हैं साधु संतों में पाई पैसे का बस कुछ न कुछ पढ़ा। बाबा ने बताया था ना कि कोई भी होवे कुछ भी पढ़ा हुआ होवे कोई भी मंदिर ठिकाना निकाल कर बैठे हो कोई भी चित्र लगा करके बैठ जावे तो बड़े बड़े साहब जा करके माथा पीटते हैं। बाबा ने समझाया था जब अमरनाथ पर गए थे तो सोच रहा था इन जितना और वो पुजारी इसका पुजारी अमरनाथ का अभी ये कहां तीर्थ बढ़ा देखो कितना झुंड जाते हैं और उनको जाकर के पांव पड़ते हैं उनको 30 रुपया 50 रुपया भेज करते हैं। हम पूछा भी उनके अरे कितना तलब तुमको मिलता है? बोला 30 रुपया मिलता है। वहां 30 रुपये का तवलदार रख करके और इनसे ये लोग काम कराते हैं। देखो कितनी अंधश्रद्धा है और ये सब जाते हैं बड़े बड़े प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर फलाने फलाने ये थोड़े भगत हैं जाते हैं ऐसे ऐसे पूजा करके माथा टेकते हैं। नहीं तो शिव बाबा ये तो सभी समझते हैं कि निराकार है और बाबा है पतित पावन है और ये समझाना भी बड़ा सहज है कि सतयुग आज और कलयुग का अंत ये जो संगम होता है और संगम तो सब का होता है ना। सतयुग के बाद त्रेता तो दोनों के बीच का संगम त्रेता के बाद द्वापर तो द्वापर और त्रेता का संगम तो अवस्था गिरती जाती है दुनिया पुरानी होती जाती है। सतयुगी नई दुनिया फिर और दो कलाकम
तो सारी दुनिया दो कला कम हो जाती है। तो वह त्रेता, तो त्रेता से द्वापर दो कला और ही कम, दो नहीं गए बल्कि चार, डबल हो जाती है। द्वापर से कलयुग वहां तो आप ही कला कम हो जाती है। पति तो आपको बनना है, तो पहले सचिव में श्री लक्ष्मी नारायण उनको 84 जन्म भोग करके पति जरूर बनना पड़ता है। तो जब वो बनना है तो बाकी सबको बनना है, क्योंकि पुनर्जन्म तो सभी मानते हैं और पुनर्जन्म तो है ही नहीं। अगर पुनर्जन्म नहीं हो तो वृद्धि कहां से होगी? तो अभी सबको बुद्धि में है कि जरूर बाबा भगवान है और निराकार है और वो बाबा सबका है। जबकि सबका बाबा है तो बाबा से वर्षा जरूर मिलता होगा। अभी बुद्धि से काम लेना चाहिए कि सबका बाबा क्या वर्षा देगा। विवेक कहता है क्योंकि बाबा बुद्धि का ताला खोलते हैं ना। जो यहां नए भी आवे तो उनकी बुद्धि का भी ताला खोलते हैं, क्योंकि बुद्धि का ताला माया ने सब का बंद कर दिया। लाकर गांव में इसका ताला लगा हुआ है, तो बाप आकर के बुद्धि का ताला बड़ा सहज खोल देते। परंतु देखो बाबा तो सब शिव को कहते हैं ना, तो जरूर शिव रचेता है, तो सबका बेहद का बाप हुआ ना, तो बेहद के बाप से बेहद का सुख, और बेहद का सुख कौन सा देंगे? बाप सतयुग स्थापन करने आते, सत्य बाप है ना, और सतयुग में ये लक्ष्मी नारायण है बरोबर हुए ना। बेहद के बाप से श्री लक्ष्मी और नारायण को बेहद दुनिया का मालिक बनाया। किसने बनाया? कलयुग में तो कोई बेहद का मालिक होगा ही नहीं। देखो कलयुग में क्या है, और ये भारत में ही है कि बरोबर सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। जरूर इनको ये वर्षा बाप से मिला होगा, तो सिर्फ लक्ष्मी नारायण थोड़ी ही होंगे, वो तो सचिव में राजधानी होगी। तो बाबा साई जरूर ये सारी राजाई देते। 27-4-64 की वाणी का दूसरा दे तो जरूर राजाई देने का लायक बनाता होगा। तो देखो तुम बच्चों को लायक बनाने के लिए राजयोग सिखलाए रहे और तुम यहां राजयोग सीख रहे हो। अभी कोई मनुष्य तो नहीं सुना सकता है, कितना भी कोई विद्वान पंडित हो भी कोई भी राजयोग नहीं सिखला सकते, क्योंकि विश्व का मालिक तो नहीं बना सकते ना। विश्व का मालिक तो बाप ही बनाएगा ना। शिव बाबा जो साहब का मालिक है और रचयिता है,
भगवान को बाप भी कहते हैं। तो जब बाबा है तो उसने हमको वर्षा दिया होगा, सतयुग में वर्षा था, अभी नहीं है, तो अभी फिर मिलना चाहिए ना, क्योंकि ये संगम युग है। अभी तुम बराबर जानते हो कि शिव बाबा से वर्षा ले रहे हो, काहे का वर्षा ले रहे हो, सुख और शांति का वर्षा ले रहे हो। दुनिया में कोई भी नहीं है जिसने सुख और शांति का वर्षा दिया हो, क्योंकि दुनिया में तो दुख और अशांति बढ़ती ही जाती है ना। तो भला और बाकी से क्या मिलता है, बाकी सात से दुख का वर्षा मिलता है। तो देखो भला सबसे अच्छा गुरु कौन है, बोलता है वो तो और ही है, तो बहुत जानती नहीं, वो तो शिवम के सर्वव्यापी कह देते। तो बात कहते हैं, देखो पतित पावन मुझे कहते हो, ये समझ की बात है ना। तुम कहते हो कि पतित पावन आओ, तो सभी पतित हुए। अच्छा, मैं पावन जब बनाता हूं तो जरूर तुमको पावन रहना पड़ेगा। सतयुग त्रेता को पावन कहते हैं, तो फिर जरूर तुमको कोई पतित बनाने वाला होगा, क्योंकि चक्र तो फिरता है ना। तो इनको मालूम थोड़ी है कि पतित फिर कौन बनाते हैं। ये पांच विकार रूपी रावण हैं, तो इस समय में सभी पतित है, सभी बंदर। देखो वो आखानी है ना, कि लक्ष्मी का स्वयंवर होता था तो नारद खड़ा हो गया, वो भगत था ना, बोला हम बन सकते हैं ना लक्ष्मी को। तो कहा अपना मुंह को देखो, और मुंह दिखलाया तो बंदर का देखने में आया। तो तुम बंदर की जात लक्ष्मी को कैसे बन सकोगे। अब ये भगत तो है ही बंदर है, वो थोड़े ही बाप से वर्षा ले सकेंगे। नहीं, फिर बाप बंदरों को ही लायक बनाते। देखो तुम सभी अभी इसी लक्ष्मी को बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, और श्री लक्ष्मी नारायण कोई एक तो नहीं होते हैं ना, उनकी तो डायनेस्टी है, आठ होते हैं। लक्ष्मी नारायण जी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो देखो अभी तुम ये बनाते हो, तो जब ये हाथ उठाते हैं तो बाबा खुद पूछते हैं दिल रूपी दर्पण में, देखो कोई भूत तो तुम्हारे अंदर नहीं है, काम का या क्रोध का कोई भी हो, जनोद का अशुद्ध अहंकार का कोई भूत तो नहीं है। अगर भूत है तो तुम लायक नहीं हो सूर्यवंशी बनने के। यहां तो एक्यूरेट समझाया जाता है, कौन बैठ करके समझाते हैं, शिव बाबा। जब कहते हो शिव बाबा तो जरूर बाबा से वर्षा मिलना चाहिए, जरूर उनको रूप धारण करना पड़े,
आन ही पड़े। देखो वो आते हैं तो बोलते हैं कि मैं आता ही हूं इनमें, जिनको मैंने वर्षा दिया था, और फिर उन्होंने वर्षा घुमाया भी है। चक्कर खाएंगे ना, जो पहले पहले हैं वो पूरा चक्कर खाएंगे। 84 जन्म तो पहले वाले का होगा ना, इसलिए तो गाया जाता है कि आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। तो बाप कहते हैं पहले पहले हमने तुमको स्वर्ग में भेज दिया, तुम पहले पहले बिछड़े, अभी फिर तुमको ईश्वर का मालिक बनना पड़ेगा। कितना सहज है समझना और समझाना, तो भी खास करके भारतवासियों को बात समझाते हैं कि जो भी देवताओं के पुजारी हो गए, कोई गीता का पाठी हो गए, उनको थोड़ा सुनाने से सहज होगा। बाकी जो दूसरे मठपंथ हो, ये सभी आर्य समाजी चिराकाशी ऐसे बहुत होते हैं ना, तो वो कभी नहीं समझेंगे। तो छोटे छोटे मठपंथ बाद में आए हैं ना, एकदम बाद में, क्योंकि वो देवी देवता धर्म के हैं ही नहीं। हाँ, कोई देवता धर्म वाला कन्वर्ट होकर के गया हुआ होगा तो उनको कुछ टच हो जाएगा और वो ले सकते हैं, क्योंकि ये सैंपलिंग लग रही है। तो जो भी हिंदू धर्म वाले, उनमें जो पुजारी अथवा रिलीजियस माइंडेड है, वो तो बहुत आएंगे, और बाकी कोई कोई कहां से निकलेंगे। 27/4/64 की रात्रि क्लास का तीसरा दिन, मुसलमान भी निकल आएंगे तो सन्यासी भी निकल आएंगे, और भी कोई धर्म से निकल आएंगे, क्योंकि धर्म वाले ये सभी कन्वर्ट हो गए। देवी देवता धर्म वाले सब प्राय गुम हो गए, कन्वर्ट हो गए। कोई अपन को हिंदू कहलाने लग पड़े हैं, कोई क्या कहलाने लग पड़े। ये जो धर्म वाले होंगे ना, वो बड़े बड़े भी धारण करेंगे, और जो दूसरे धर्म वाले हैं उनकी बुद्धि में बैठेगा नहीं, एकदम नहीं बैठेगा। समझा? क्योंकि वो तो जैसे पत्थर बुद्धि है, कभी भी बुद्धि में बैठेगा नहीं। तो देखेंगे ना, जो ये भरते हैं एग्जीबिशन आदि होती है, उसको क्या कहते हैं हिंदी में प्रदर्शनी, उसमें बहुत लिखेंगे कि बहुत अच्छा है, बहुत लिखेंगे कुछ समझ में नहीं आता है, और बहुत लिखेंगे इसमें कुछ समझ में आता ही नहीं है। ये तो सभी बाह्यात बातें हैं, ऐसे भी लिख देंगे, कोई तो लिखेंगे बड़ा अच्छा है, क्योंकि तुम तो देखते नहीं हो। बाबा तो ये सब देखता था, बात तो छूटी है, जो चाहिए सो लिख देवे।
कोई तो ऐसे भी आते हैं जो गाड़ी में भी लिख करके जाते, तो देखो ये सब देखने में आता है ना। कोई बड़ा अच्छा समझते हैं, कोई तो गालियां लिख देते हैं। कोई तो कहते हैं मैं समझने को आया हूं, कोई तो आता है समझने के लिए। हाँ चलो बहुत यहां आते हैं, कितने आए हो? बाबा 30,000 आए। उनमें से फिर कितने आए? बाबा आज तो 5-7 आते हैं समझने के लिए। कहां से बोलेगा 20 समझ रहे? बाबा 5-7 रोज आए, आए करके फिर चले गए, अभी तो आते ही नहीं। तो बाबा कहते हैं फोटो में कोई और कोई में भी कोई, फिर कोई में से भी कोई। तो देखो बरोबार ऐसा होता है, जो हमारे इस धर्म का नहीं होगा उसकी बुद्धि में बिल्कुल नहीं बैठेगा, उड़ जाएगा, और थोड़ा भी बैठेगा तो नंबर बार पदा में आ जाएंगे। जितना अच्छा समझेंगे इतनी ही अच्छी प्रजा में आ जाएंगे, थोड़ा समझेंगे तो थोड़ा प्रजा में आएंगे, बहुत समझेंगे तो अच्छी प्रजा में आएंगे। क्योंकि ये तो फिर से वही नया देवी देवता धर्म स्थापन हो रहा है, जिसका जो फाउंडेशन था वो सड़ गया। जैसे कलकत्ते में ये बनियन ट्री है, बड़का झार देख करके आए ना, एकदम बड़ा बड़ा है ना, फाउंडेशन जड़ से सड़ गया है। तो उसका मिसाल देते हैं कि वो जो स्थापना करने वाला धर्म है वो तो प्राय अलोप हो गया, बाकी तो सभी धर्म खड़े हैं, तो फिर वो रिपीट होना है, फिर वो धर्म हो जाएगा तो बाकी सभी धर्म हो जाएंगे, एकदम नहीं रहेंगे। अभी कितनी समझने की बातें हैं, परंतु बाबा कहते हैं जो उस धर्म वाले होंगे सो कुछ न कुछ जरूर समझेंगे, बाकी तो किसी की बुद्धि में बैठेगा नहीं, यहां से सुना वहां चला गया। ऐसे बच्चे यहां बहुत आते हैं। अच्छा आज बहुत देरी हो गई है, चलो बाजा बजाओ। क्या बोला? बाजा बजाओ। क्या होता है बाजा के कान? गीत सुनने के लिए तरस गए। जब कोई सख्त बीमार होते हैं ना तो होपलेस हो जाते हैं। जो बाप खुद कहते हैं बच्चे तुम सब होपलेस हो, क्योंकि अभी सब मरने वाले हो, मैं तुम सभी आत्माओं को वापस ले जाने के लिए आया, और ये तो जरूर होगा, सबको मच्छरों में आके ले जाएगा। मच्छरों में आके क्यों कहा? हाथी घोड़े मुआफे क्यों नहीं कहा? क्योंकि हाथी घोड़े की तो बहुत वैल्यू होती है,
मच्छर की तो कोई कोई वैल्यू नहीं, पट से मार देते। तो मच्छरों से दस ले जाऊंगा, कोई भी देवान की बात नहीं। तो खुद कहते हैं मैं तुम्हारा रूहानी पंडा हूं, अभी समझते हो कि तुम सभी आत्माओं को हम मच्छरों माफिक वापस ले जाने के लिए आया हो। तो ये सभी पतित हैं, कहते हैं ना पतित पावन, पतित दुनिया। पावन दुनिया में तो बहुत थोड़े होते हैं, बाकी आत्माओं को तो वापस ले जाना। तो देखो ये पंडा है, इसलिए पंडा के बच्चे पांडव हुए, जैसे ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्म, एक मात्रा बढ़ जाती है रचना की। आपको ये यादव, ये पौरव और ये पांडव, तुम पंडा के बच्चे, तुम भी पंडे हो। वो जिस्मानी पंडे ब्राह्मण होते हैं और तुम सच्चे सच्चे ब्रह्मावंशी रूहानी पंडे हो। तुम सभी आत्माओं को वापस ले जाने वाले हो। ये वापस ले जाना और कोई मनुष्यों का काम नहीं है। 27:64 की वाणी का चौथा पेज, ये तो सिर्फ बाप का काम है वापस ले जाना। और वापस ले जा करके सदगति देना, दुर्गति देना मनुष्यों का काम है, सदगति देना एक बाप का काम है। जो गुरु लोग हैं ना, ये गुरु लोग सात दुर्गति में डालते हैं। क्या शूटिंग पीरियड में भी गुरु लोग होंगे कि नहीं होंगे? हैं? क्या करते हैं? हैं? है? शूटिंग पीरियड में भी जो गुरु लोग होते हैं उल्टा रास्ता बताते हैं, बाप सच्चा रास्ता बताते हैं और गुरु लोग उल्टा रास्ता बता करके दुर्गति में डाल देते हैं। ये कोई भी सदगति नहीं दे सकते। बाबा खुद कहते हैं मैंने कम से कम एक दर्जन गुरु किए होंगे। क्या कहा? किसने किए? है कौन से बाबा ने? ब्रह्मा बाबा ने एक दर्जन गुरु किए होंगे। कौन से? इस्लाम वंशी किए होंगे, बौद्धी वंशी किए होंगे, कौन से किए होंगे? हैं? जरूर कहेंगे सूर्यवंशी। वो सब बर्थना की पेनी बन गए। क्या तब की बात है? हैं? सृष्टि के आदि की बात है, मध्य की बात है या अंत की बात है? है? तब प्रार्थना के पैनी बन गए। अंत में फाइनल पेपर में माया किसी को नहीं छोड़ती। क्या जो सूर्यवंशी बाहर है श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, उनको भी लोड़ा खिलाई देती है, तो सब प्रार्थना की पेनी बन गए। अभी बाबा एकदम पावन बनाते। कौन बनाते हैं?
बाबा बनाते हैं कि बाप बनाते हैं? ये बाबा में और बाप में क्या अंतर है? है साकार निराकार का मेल है बाबा और बाप, आत्माएं निराकार और निराकार आत्माओं का बाप भी निराकार, उनके साथ कोई दूसरा संबंध नहीं बनता है। तो बाबा पावन बनाते हैं, तब तुमको भी ऐसा ही बनाते। अच्छा बच्ची बाजा बजाओ, कहीं टोली याद आ जाती, कहीं बाजा याद आ जाता। कोई किताब लेते हैं, अच्छा कोई साकार गुरु के शिष्य हैं जो बैठ करके गुरु सिखलाते हैं, कहते नहीं हम निराकार बाप को जानते हैं, जुड़ा करके। तो बाप कहते हैं ये भी ऐसे ही कहते हैं ना, हम निराकार को जानते हैं। निराकार कहते हैं मैं तुम सब बच्चों को पढ़ाता हूं, जो साकार पढ़ाते हैं वो तुमको डुबोते हैं और मैं तुमको पावन करता हूं, पावन दुनिया में ले जाता हूं। गीत की धुन बजी, चलो चले मां सपनों के गांव में, देख रही हो ये प्रदर्शनी के पिछाड़ी प्रदर्शनी बहुत होती जाएंगी और विलायत तक भी होती जाएंगी। कौन सी प्रदर्शनी की बात है? सिर्फ जड़ प्रदर्शनी की बात की या चैतन्य प्रदर्शनी की भी बात है? माला के जो चैतन्य मन के तैयार होंगे वो सारी दुनिया में प्रदर्शित होते रहेंगे। ये दुनिया देखती है कि भारत को स्वर्ग बनाकर ही छोड़ेंगे। तुम जैसे कल्प कल्प बनाती हो, बोलते हैं कि जीवन में ये काम विकार की चिंगारी नहीं लगाना, कल्प कल्प काला मुंह नहीं करना, कभी नहीं करना। जबकि अभी तुम्हारा गोरा मुंह बनाते हैं, ऐसे है ना, इस समय में तो सबका काला मुंह है, क्योंकि जो काम की इच्छा पर चलते हैं उनको कहा जाता है काले मुंह वाले बंदर। तो बाप कहते हैं खबरदार रहना, जब एक दफा प्रतिज्ञा करते हो कि हमको पवित्र रहना है तो फिर तभी काला मुंह नहीं करना। अगर मुंह काला करेंगे तो फिर पद भी भ्रष्ट हो जाएगा, फिर ऐसा अच्छा गोरा नहीं बन सकेंगे। ये मूल बात है, समझा ना? क्योंकि बाप भी कहते हैं काम महाशत्रु है, इसलिए इन पर पूरी जीत पहननी है। पूरी जीत का मतलब क्या है? है
पूरी जीत और अधूरी जीत क्या है? शत्रु से बड़ी भारी लड़ाई है, ये संबल लड़ाई नहीं है। बहुत फेल हो जाते हैं तो बाबा लिख देते हैं कुल कलंकित, बाप से प्रतिज्ञा करके कि हम काला मुंह नहीं करेंगे। फिर तुमने काला मुंह कर दिया तो बाबा लिख देते हैं कि मेहनत है तुम्हारे ऊपर। जैसे लौकिक बाप होते हैं ना, तो बाप सपूत बच्चों पर नैलत डालते हैं, आप लोग तो बाप भी नैलत डालते हैं, परंतु तुमको तो शर्म आना चाहिए क्योंकि ये ब्राह्मण कुल है ऊंचे से ऊंचा, क्योंकि पवित्र है और फिर ईश्वरीय संतान हो। तो देखो बाप जिनके हाथ में राइट हैंड धर्मराज है वो तो बहुत कड़ी सजा देंगे। बाप के राइट हैंड कौन है? धर्मराज राइट हैंड, राइट हैंड की लेफ्ट हैंड, राइट हैंड क्यों कहा? ज्यादा काम कौन से हैंड से लिया जाता है? राइट हैंड से लिया जाता है। तो वो धर्म का राजा है, धारणाओं का राजा है, वो बहुत कड़ी सजा देंगे। तो बोलते हैं एक तो कड़ी सजा भी खाएंगे और पति भी भ्रष्ट हो जाएगा, इसलिए पवित्रता फर्स्ट, प्योरिटी फर्स्ट। नो प्योरिटी नो मुक्ति, जीवन मुक्ति नो सुख और शांति। मूल बात है यहां पवित्रता के ऊपर, और उस बात में ही सब बहुत फेल होते हैं और गड़ी गड़ी गिरते हैं। तो इसलिए बाबा बच्चों को सावधानी देते रहते हैं कि प्रतिज्ञा करके अगर तुम काला मुंह किया तो फिर गर्त है ना, इस गर्त की ताम्र ध्वज और मोर ध्वज की कहानी है कि धर्मराज से कड़ाई से वो कटवाते हैं। ट्रिब्यूनल बैठी है इसलिए खबरदार रहना, बाप से पवित्रता की प्रतिज्ञा करना है तो फिर तोड़ भी निभाना है, नहीं तो फिर ये मरे। अच्छा सिक्किम के बच्चों प्रति पारलौकिक माता पिता जिससे घनेरे सुख का भरसा लेते हो, जिसकी श्रीमत पर चलना है, जिसकी श्रीमत बताइए है? क्या नाम दिया? पारलौकिक माता पिता एक या दो? माता पिता एक हुए या दो हुए? अरे दो हो गए ना, जिनसे सुख घनेरे का वर्षा लेते हो, जिनकी सीमत पर चलना है। माना
बाप की श्रीमत है और बाप के साथ फिर माता की भी बात माननी चाहिए। अज्ञातवाणी क्या है? अज्ञातवाणी में किसकी वाणी है? ब्रह्मा माता की वाणी है। ऐसे श्रीमत पर चलने वाले बच्चों को या प्यार और गुड नाइट। ओम रुद्रमाला में माया जिसका नाम रखा है वो कौन से धर्म की होगी? इस्लाम धर्म की होगी। और इस्लाम धर्म वाली आत्माएं एडवांस पार्टी के आदि में ही आ जाती है या नहीं आ जाती है? है? आती है। जो भी बीज रूप आत्माएं हैं उनमें कोई मुख्य आत्मा है स्त्री चोला पार्टधारी जो आती है और माया भी पार्ट बजाती है। क्या दुनिया की दृष्टि में बहुत श्रेष्ठ पार्ट हो गया, पहले सरेंडर हो गई। क्या सरेंडर होना बड़ी बात है कि बाप के साथ निभाना बड़ी बात है? तो सरेंडर तो हो गई लेकिन निभाने की बात जहां आई तो महीने भर भी नहीं निभा पाई। तो बीज रूप आत्माओं में एडवांस पार्टी की जो रुद्रमाला की आत्माएं हैं उनमें बीज रूप माया है या नहीं है? बोलो, है। और उस बीज रूप में से ही जड़ निकलती है या नहीं निकलती है? निकलती है। तो यज्ञ के याद में भी बाबा ने याद दिलाया कि कोई भंगी ना आती थी क्या, और आते ही सबके सामने बाबा से चिपट जाती थी, बाघ ही पहनती थी। बाद में उसके घर परिवार वाले आए और उसे जबरदस्ती ले गए। जो आदमी हुआ सो यंत्र में होता है। तो बताओ पहले सरेंडर कौन हुई? माया ही सरेंडर होती है, निभा नहीं पाती है। बारह जैसी जरूर है। हाँ, बारह में वो सिग्नेटिश्वर मंदिर है, उसमें कौन सा वेंकटेश्वर है बाबा? वहाँ पे शिवलिंग नहीं है, शिवलिंग नहीं है वहाँ पे, वहाँ बचा है। हाँ, वहाँ पूछा उसका व्यक्ति क्या त्रियंबा। त्र्यंबकेश्वर का क्या मतलब हुआ? त्रियंबा उसका ईश्वर। क्या तीन अम्बाओं का भी ईश्वर? तीन अम्बाएं कौन कौन है? हैं बोलो, लक्ष्मी, ओ सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती। तीनों अम्बाओं का जो पार्ट है प्योरिटी का, उसमें ज्यादा प्योरिटी धारण करने वाला कोई है या नहीं है? तीन माताओं का जो प्योरिटी का पार्ट है उससे भी जास्ती प्योरिटी का पार्ट धारण करने वाला कोई युगल है या नहीं है? हैं? कौन है? अत्री। क्या नाम दिया? अनुसुईया, जिसने तीनों देवताओं की पालना की। तीनों देवताओं ने अनुसुईया को नमन किया, तो अनुसुईया नमन करती है अत्री को, वो अनुसुईया का पति। तो अत्री कौन हुआ? हैं? तीन में से नहीं है क्या? तीन में से है, तीन में से नहीं है, अलग है।
यज्ञ के आदि में कहेंगे ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों थे, फिर थोड़े समय के बाद वो थे या नहीं थे? हैं? तीनों थे हैं? प्रजापिता के शरीर छोड़ने के बाद तीनों थे नहीं थे? तब से लेकर के सन 76 तक विष्णु का पार्ट और शंकर का पार्ट यज्ञ में था या नहीं था? प्रैक्टिकल में है? था या नहीं था? प्रैक्टिकल में नहीं था। तो उस समय में कोई ऐसा टाइम है या नहीं है जहां शंकर का पार्ट नहीं था, विष्णु का भी पार्ट नहीं था, ब्रह्मा का भी पार्ट नहीं था प्रैक्टिकल में, लेकिन उसका था अत्रि का? उसे त्रिदेवों में से एक भी देव नहीं था वो नाम और वो काम करने वाला, लेकिन अत्रि था। किसके द्वारा था? है? अरे अरे बाप के रूप में कब प्रत्यक्ष हुआ? शंकर का प्रत्यक्ष हुआ 76 में, और 76 से पहले ब्रह्मा के शरीर छोड़ने के बाद 69 से लेकर के 76 के पहले तक ज्ञान का मंथन हुआ या नहीं हुआ? किसने किया? राम वाली आत्मा। निमित्त जो राम वाली आत्मा वो तो साकार में, लेकिन उसके द्वारा कराया किसने? जिसने कराया वो ही अत्रि हुआ। इसलिए उसको कहेंगे त्रियंबकेश्वर। क्या वहां पर लिंग नहीं बना हुआ है? क्या बना हुआ है? हैं? जलाधारी बनी हुई है। इससे साबित हुआ कि वो जलाधारी स्वयं परम ब्रह्म है। जैसे यज्ञ के आदि में परम ब्रह्म था, बड़ा ब्रह्म, परम माने बड़ा, परे से परे, इसलिए वो यादगार है त्रियंबकेश्वर। और अरे इसको भी भोपा दे दो, आवाज नहीं आ रही। दूर दूर हाँ। अरे दूर करना है ध्यान। हाँ बोल। त्रिमूर्ति के बाद आते? त्रिमूर्ति के साथ क्यों आते? क्योंकि तीन मूर्तियां जो हैं वो भक्ति मार्ग में सबसे बड़े देवता माने जाते हैं। क्या? त्रिदेव। 33 करोड़ देवताएं हैं, लेकिन 33 करोड़ देवताओं में सबसे ऊंचे कौन माने जाते? ब्रह्मा विष्णु और शंकर का नाम आता है। तो तीन मूर्तियों ने कोई विशेष पुरुषार्थ किया होगा या नहीं किया होगा? है? किया होगा, इसीलिए उनमें आते हैं और क्यों में नहीं आते? हाँ। आज की दुनिया में 3 वर्ष का बच्चा कंप्यूटर मास्टर बन सकता है
तो अब से 20-25 वर्ष के बाद जो बच्चे पैदा होंगे वो कमाल करके नहीं दिखा सकते हैं। और काल नहीं होता। हाँ, कैलकुलेशन तो बताते हैं। क्या कैलकुलेशन बताते हैं? हैं? हाँ समय होता है। हाँ, 2500 साल समय होता है। हैं? सत्यु का कैलकुलेशन बताते हैं 1250 का। हाँ हाँ, काल का मतलब है वहाँ स्वेच्छा से सब शरीर छोड़ते हैं, वहाँ जबरियन कोई शरीर नहीं छोड़ता। और काल खाता है तो इसीलिए कहा जाता है कि कोई कितना भी करे काल के सामने कोई जीत नहीं पा सकता। तो ऐसा काल कलयुग और द्वापर में खाता है, जहां मृत्यु के सामने दुनिया में किसी की भी नहीं चलती। इसलिए कहा, और वहां जब इच्छा होगी तब शरीर छोड़ेंगे। परंतु बाबा समय तो होता है ना? क्या समय तो होता है ना? हाँ, काल तो होता है। काल मृत्यु का भय नहीं होता है। मृत्यु को भय नहीं होता है, मैंने काल के ऊपर विजय है ना। तो समय तो होता है ना? हाँ समय होता है। काल का मतलब है कि काल के सामने द्वापर कलयुग में किसी की नहीं चलती। कोई चाहे कि हम अभी शरीर न छोड़ें, लेकिन उसको उस समय शरीर छोड़ना ही पड़ता है। और वहाँ अकाले मौत होती ही होती है। और सतयुग त्रेता में अकाले मौत नहीं हो सकती, माने बुढ़ापा नहीं आया है और पहले ही किसी की बचपन में मृत्यु हो जाए तो अकाले मौत हुई। ऐसी मृत्यु वहां कभी नहीं होती, माने काल पूरा नहीं हुआ, समय पूरा नहीं हुआ। समय पूरा होना चाहिए लेकिन नहीं हुआ, तो वहां काल कुछ नहीं कर सकता। और यहां किसी का समय पूरा हुआ हो या न हुआ हो, पेट में भी बच्चा मर पड़ता है, तो काल ने खाया ना। और ये गीता से आधारित मेरा प्रश्न है, गीता के दूसरे अध्याय में जो दूसरे का दूसरा नंबर श्लोक है, दूसरा नंबर श्लोक है अब इस लोग नंबर ने बताओ क्या कह रहे हैं। आत्मा के लिए बोला, आत्मा मरती नहीं है। हाँ, शरीर मरता है और शरीर ही जन्म लेता है। हाँ, दूसरे श्लोक में शरीर वस्त्र धारण करती है, है? वस्त्र धारण करने को ही जन्म कहते हैं। शरीर धारण किया माना आत्मा मरी नहीं थी, माँ आत्मा जो है वो जाकर के दूसरे वस्त्र में प्रवेश कर गई। वो तो तुम कहते हो, लेकिन गीता के श्लोक ने तो ये बताया आत्मा नहीं मरी, आत्मा ने एक शरीर छोड़ा और गर्भ में जाकर के दूसरा शरीर रूपी वस्त्र धारण कर ली। क्या मरी? नहीं मरी।
शरीर मतलब ये जो एडवांस की जो गीता की बुक है, एडवांस पर कैसा मन जो बुक है उसमें आत्मा लिखा है, ये वातावरण है वातावरण की चेतना वाला जो श्लोक है उसमें आत्मा के लिए लिखा है कि आत्मा अगर शरीर धारण करती है छोड़ती है और छोड़ती है, पर उसकी भक्ति साल की गीता से जीवात्मा लिखा है। ये आत्मा जब शरीर धारण कर लेती है तब बाबा ने बताया उसे कहते हैं जीव आत्मा, माने जीवित आत्मा। जब तक शरीर धारण नहीं किया है हो सकता है वो आत्मा सूक्ष्म शरीर में भ्रमण कर रही हो। वो सूक्ष्म शरीर में भ्रमण करने वाली आत्मा को जीव आत्मा नहीं कहेंगे। और बाबा इस्लाम धर्म में सभी धर्मों में 108 की माला फेरते हैं सब लोग हैं, सभी धर्मों के लोग 108 की माला फेरते हैं, हर धर्म में 108 की माला फेरी जाती है। राम सभी धर्मों में 108 की माला नहीं होती है, क्योंकि सभी धर्म वाले 108 में से जो पहला मणका है उसको जानते हैं, जानते ही नहीं तो माला में कैसे ले आएंगे। वो तो अपनी माला बनाएंगे ना, शिवो हम। दुनिया में अगर कोई साकार रूप धारण करने वाला है और सबसे ऊंचे पार्ट बजाने वाला है, अगर कोई भगवान है तो मैं हूं, बाकी कोई गॉड नहीं है। तो एक माला का मणका कम हो गया कि नहीं, बोलो ना। तो हर धर्म की माला अलग अलग मणकों की होती है, एक जैसे मणके सब में नहीं हो सकते। माया निभाती नहीं थी सर्वशक्तिवान कैसे बन जाती, माया निभाती नहीं सर्वशक्तिवान कैसे बन जाती, निभाने में फेल हो जाती है इसीलिए वो फेल होती है, नहीं तो सर्वशक्तिवान है। अगर माया ने आदि से अंत तक निभाया होता तो वो फेल नहीं होती, हार नहीं खाती। भगवान हार जाता, लेकिन क्या हुआ, माया हार गई। किस लिए हार गई? हाँ, प्योरिटी को निभाया नहीं। तो टाइटल तो आ गया सर्वशक्तिवान को उसके ऊपर, बाबा उतने समय का टाइटल है पता नहीं, बाबा ने पता नहीं। तुमको ये पता नहीं कि माया का टाइटल जो है सर्वशक्तिवान का कितने समय का है? 2000 साल का। शरीर नहीं देखता है, अरे सांप शरीर छोड़ जाते हैं, सूक्ष्म बतन में इकट्ठे हो जाते हैं तब जाता है। सबको लेकर जाएगा या अकेले जाएगा उसका पार्टी है। जितने भी मनुष्य आत्माएं हैं सब को ऊपर ले जाएगा और बाद में बाप जाएगा। घर परिवार है, उस घर परिवार में आग लगे और एक बच्चा घर के अंदर रह गया तो जो सच्चा बाप होगा वो बाप को बाहर निकाले, बच्चे को बाहर निकालेगा या नहीं निकालेगा? निकालेगा। तो तुम्हारा क्या झूठा बाप समझते हो? है तो सच्चा बाप है। और बाबा हाँ, जैसे आप भी बाबा के पास सरेंडर हो जाते हैं, सरेंडर होने के बाद ऐसा कुछ परिस्थिति हो जाती है परिवार में, तो वो परिस्थिति के वश आधीन होके या परेशान होके छोड़ देते, परिवार को छोड़ते या बाप को छोड़ देते, उसको भी फेल होना देंगे। क्यों? वो अधमगति को नहीं पाया, तुम्हारा वो माया का साथ नहीं दिया, माया ने अपने समान नहीं बनाया, माया ने उसको आप समान बनाया या नहीं बनाया?
माया जैसे अपवित्र बनती है वैसे अपवित्र बनती है या नहीं बनती है? बाहर की दुनिया में जाएंगे तो अपवित्र जरूर बनेंगे। यहाँ से परेशान होकर गया किसी निमित्त आत्मा की वजह से। परेशान वो होते हैं जो आत्म की स्थिति की शान में नहीं रहते, देह भान में आते हैं और देह भान में आकर के परिवार वालों को दुख देते हैं, वो ही फिर परेशान होते हैं। ये बाबा दोबारा आके लास्ट तो फास्ट नहीं जा सकते? नहीं जा, उतना फास्ट नहीं जा सकते। मार्जिन है उसके लिए? है? उसके लिए कुछ ना कुछ मार्जिन है। हाँ मार्जिन है, थोड़ा पुरुषार्थ करो, कुछ ना कुछ ले लेना, लेकिन उतनी तीव्रता धारण नहीं कर सकते पुरुषार्थ की जितनी पहले की थी। सबकी नजरों में नीचे हो जाएंगे या सबकी नजरों में नीचे देखे जाएंगे, है? धोखा देने वाले हैं। जैसे ब्रॉड ड्रामा में दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कन्वर्ट हो जाते हैं वो आकर के हिंदुओं के साथ आ जाए, कहें अब तो हम आ गए, आपको हमको भी अपने जैसा मानो, तो वो मानेंगे? हैं? हिंदुओं ने कभी माना? माना उनको श्रेष्ठ? नहीं माना। जो कन्वर्ट हो गए वो नियत खोर हो गए, उनकी नियत खराब हो गई। नहीं तो पक्का रहना चाहिए एक बाप दूसरा न कोई। कोई परेशान नहीं कर सकता किसी को। लक्ष्मी नारायण जब लक्ष्मी नारायण की स्टेज धारण कर लेते हैं, पक्का आत्मिक स्थिति में स्थिर हो जाते हैं, तो कोई उनको दुख दे सकता है? नहीं दे सकता। उनकी दुनिया ही निराली बन जाती है। बाबा कोई आत्मा से कमजोर है और वो कमजोर आत्मा ही तो बाप के समान पावरफुल बनने के लिए आती है। कि पावरफुल आती है? ओम शांति।